फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, कैसा भी हो, कितना भी पुराना घुटनों के दर्द को 7 दिन में गायब कर देगा। तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे इस चैनल लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। घुटनों के दर्द की समस्या आजकल आम होती जा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश चोट लग जाने से, या बढ़ती हुई उम्र के कारण, या फिर वृद्धावस्था में हड्डियों के कमजोर हो जाने से अक्सर घुटनों में दर्द होने लगते हैं। इस वीडियो में हम आपको घुटने के दर्द से राहत दिलाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, जिनका उपयोग करने पर लगभग 7 दिन में ही आपको घुटनों के दर्द से राहत मिल जाएगी। यदि आपके घुटनों में लगातार या थोड़ा थोड़ा दर्द या तेज दर्द बना रहता है, तो यहाँ दिए गए घरेलू नुस्खे आजमाएं और आपको 7 से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर इन घरेलू नुस्खों से पूरा पूरा आराम मिल जाएगा और फिर कभी आपके घुटने दर्द नहीं करेंगे। अब आइए जानते हैं इस नुस्खे को कैसे बनाना है। किसी चोट या दर्द हो या घुटने का दर्द, आप इस दर्द निवारक का हल्दी के पेस्ट को बनाकर अपनी चोट के स्थान पर या घुटनों के दर्द के स्थान पर लगाइए। इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। दर्द निवारक हल्दी का पेस्ट कैसे बनाएं? इसके लिए आप सबसे पहले 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लें और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, और इसमें आप बूरा या शहद मिला लें और 1 चुटकी चूना मिला दें और थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट जैसा बना लें। इस लेप को बनाने के बाद आप हाथों की मदद से जहां पर भी आपको दर्द है या घुटनों का दर्द है, उस स्थान पर लगा दें और ऊपर से क्रेप बैंडेज या कोई पुराना सूती कपड़ा बांध दें और इसको रात भर लगा रहने दें और सुबह सादा पानी से धो लें। 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह तक इसको लगाने से आपके घुटने की सूजन, मांसपेशियों में खिंचाव, अंदरूनी चोट, होने वाले दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है और ये औषधि आपके दर्द को जड़ से खत्म कर देता है। इसके अलावा आप सौंठ से बनी दर्द निवारक दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंठ भी एक बहुत अच्छा दर्द निवारक दवा के रूप में फायदेमंद साबित हो सकता है। सौंठ से दर्द निवारक दवा बनाने के लिए आप 1 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर व थोड़ा आवश्यकता अनुसार तिल का तेल, इन दोनों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट जैसा बना लें। दर्द या मोच के स्थान पर या चोट के दर्द में आप इस दर्द निवारक सौंठ के पेस्ट को हल्के हल्के प्रभावित स्थान पर लगाएं और इसको 2 से 3 घंटे तक लगा रहने दें। इसके बाद इसे पानी से धो लें। ऐसा करने से 1 सप्ताह में आपको घुटने के दर्द में पूरा आराम मिल जाता है और अगर मांसपेशियों में भी खिंचाव महसूस होता है तो वह भी जाता रहता है। सर्दियों के मौसम में रोजाना 5 से 6 खजूर खाना बहुत ही लाभदायक होता है। खजूर का सेवन आप इस तरह भी कर सकते हैं। रात के समय 6 से 7 खजूर पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इन खजूर को खा लें और साथ ही वह पानी भी पी लें जिसमें आपने रात में खजूर भिगोए थे। यह घुटनों के दर्द के अलावा आपके जोड़ों के दर्द में भी आराम दिलाता है। तो ये था फ्रेंड्स, कैसा भी हो, कितना भी पुराना घुटनों के दर्द को 7 दिन में गायब कर देगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।